चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैं जो कि शोहा, अपर जंडयान, लोअर जंडयान और सेड़ी पंडिता, और जो आज हमारा अंतिम दिवस है वो भलवाल क्रिकेट स्टेडियम को समर्पित है। आज हमारे बीच एक बहुत ही ऐतिहासिक और गरिमामय पर्सनालिटी आई है, जिन जो जम्मू की बेटी हैं। उनका नाम मिसेज राधिका आनंद है। इन्होंने अपने जीवन काल में और अपने करियर में 39 इयर्स की लॉन्ग करियर में इन्होंने 7 लाख पेड़ लगाए हैं फल वाले। इन्हें ग्रीन एम्बेसडर ऑफ BSF से नवाजा गया है और ऑल्सो इन्होंने 2021 में ब्लैक लेडी ट्रॉफी के साथ भी इनको नवाजा गया था। तमाम न्यूज चैनल्स में अपनी वक्तव्य देने के लिए हमेशा आती रहती हैं, और जो भी बच्चे न्यूज चैनल्स देखते हैं, कितने न्यूज चैनल्स देखते हैं, उसमें आते हैं, और ये जस्ट 5 दिन पहले NDTV में भी आई तो सम्मेलन में। सो इसी के साथ मैं सभी अभी आप सभी से निवेदन है। हर मिट्टी के लड्डू में एक बीज है, तो जब खाओ फल साथ में बीज को आप सुखा लो। सुखाने के बाद आराम से घर में बैठकर, और आपको पता है बच्चे अगर मिट्टी के साथ खेलें तो वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं, उनके हाथों की जो काम है, क्रिएटिविटी है, वो ज्यादा बढ़ती है। पर आजकल हम लोगों को कह दिया है कि मिट्टी के साथ मत खेलना, गंदा हो जाते हैं हाथ। तो ऐसे आप छोटे लड्डू बना के इसमें एक एक बीज डालो, सैर पे जाते हो, साइकिल पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, आपको बस ग्राउंड पे फेंकना है, सीमेंट पे नहीं फेंकना, गाड़ना नहीं है, सिर्फ मिट्टी के ऊपर में रोल करना है। तो जो मैं थोड़े लाई हूँ आज ले जाना अपने स्कूल के ग्राउंड में। अब ऐसा है कि हम लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी बिता ली है, आगे का जो फ्यूचर है ये इन बच्चों के हाथ में है, यही हमारे आगे की पीढ़ियों के पिलर्स हैं। तो इन लोगों को ये महत्व पता होना चाहिए कि पेड़ लगाने से ही हमारी आसपास की जो वातावरण है वो अच्छा रहेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, और फलों के पेड़ों का तो की बात ही कुछ और होती है। तो यही मेरा मुहिम है कि जगह जगह जाके खासकर स्कूल के बच्चों को एक तरह से इनकरेजमेंट और एक तरह से अवेयरनेस उनमें आनी चाहिए कि हमको फलों के पेड़ या इवन पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे आज के जो युवा हैं उनको? यही कहना चाहूँगी कि हमने तो कोविड काल में देख लिया कि कितना प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा आपको? पेड़ पौधों से ही आएगा। पेड़ कट भी बहुत रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, और कटने भी पड़ते हैं कभी कभार। तो अगर हम साथ के साथ पेड़ लगाते रहें तो वो जो हमने काटे हैं पेड़ उसकी भरपूर्ति होती जाएगी, और ये जो नए युवा हैं, जो आज की जनरेशन है, उनको ये सारी बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।